कवर के घर में हुई चोरी। विधायक कॉलोनी स्थित निवास में चोरी की खबर मिल रही है। बजट सत्र के बाद से मकान था बंद। ननकीराम मंगलवार को लौटे तब वारदात की जानकारी उन्हें मिली है। चोर मकान से LED लेकर हुए फरार। तेलीबांधा थाना पुलिस ने दर्ज किया है केस। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के घर पर चोरी हुई है। जी हाँ, ननकीराम कंवर के घर पर चोरी हुई है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है इस मामले में केस। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता मनोज नायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, विस्तार से जानना चाहेंगे इस पूरी चोरी की घटना को, जो अंजाम दिया गया है किस तरह और क्या कुछ पता चल पाया पुलिस को। जी देखिए, यह पूरा मामला जो है तेलीबांधा थाना स्थित जो है विधायक कॉलोनी का है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का भी एक निवास है। और ननकीराम कंवर जो है मार्च महीने में बजट सत्र में भाग लेने रायपुर आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने इस मकान का उपयोग किया था। और इसके बाद वे जब लौट गए तो तब से यह मकान बंद था। और अब जो है कल वे राजधानी रायपुर आए हुए थे और जब उसी मकान में लौटे और देखा तो उस मकान में जो उनके कमरे थे, उस कमरे में एक LED टीवी लगी हुई थी, वह LED टीवी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत जो है स्थानीय पुलिस से की। और इसके बाद जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो है पीछे के रास्ते जो है, मकान के जो पीछे का रास्ता है उसके रास्ते जो है चोर दाखिल हुए थे और LED टीवी लेकर फरार हो गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी में जो है सुने मकानों में ताला टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों के जो हौसले काफी बुलंद है और अब जो है विधायक कॉलोनी जैसा सेंसिटिव इलाका जिसे माना जाता है, जहां काफी संख्या में मंत्रीगण भी रहते हैं, विधायक रहते हैं और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं और यहां इस प्रकार की चोरी की वारदात हो रही है। इससे पहले भी यहां पर जो है विधायकों के निवास के ताले टूट चुके हैं और कहीं ना कहीं यह बताता है कि राजधानी में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और उन्हें किसी का भी कोई खौफ या डर नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो साफ हो गया इस पूरी घटना के बाद मनोज, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच जहां पर VVIP एरिया है, यदि वहां चोर इतनी आसानी से वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि उसे और दुरुस्त करने की आवश्यकता है? जी निश्चित रूप से वहाँ काफी संख्या में जो जितने भी बंगले हैं या निवास बने हुए हैं सारे विधायकों के ही हैं, मंत्रीगणों के हैं और वहां पर जो है सुरक्षा के वैसे ही पुख्ता इंतजाम रहते हैं। और इन सुरक्षा के बीच में तेंद लगाकर यदि कोई किसी भी मकान या निवास से या बंगले से सामान ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा पर तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। फिलहाल जो है पुलिस को जब यहाँ शिकायत मिली तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अभी विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका